ये मेरे बड़े भाई और मेरे ही परम मित्र, बड़े भाई जी सर आप लगाए मित्र है, कामदारी में मित्र है, लेकिन व्यक्तिगत निर्देशन में मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और हम ये मेरे से एक साल सीनियर हैं और ये हमारे नादी गांव के आइकान, आइकान समझते हो हीरो, और इन्हीं से हम लोग जो है इन्हीं जैसे चलते रहते थे। पूरे नादी की जयंती जो हमारी बैच हुआ करता था, टीम होती थी, माधव भाई अच्छा, माधव भाई अच्छा, दसवीं के बाद इन्होंने सीआईसी में पढ़ा हुआ है और सीआईसी में जब ये दो साल रहे हैं ये पूरे नाम करके गए हैं और नाम तो पूरे गाँव का ही है, नादी में तो सही हमारे हम एक साथ दौरा करते थे। और ये पहले व्यक्ति है जो हमारे गांव में एक जो है फोर्स में जो गए हुए हैं सीआरपीएफ में है, और पहले व्यक्ति हैं जो गांव में गए थे और उस इन्हीं के जाने के बाद फिर तो नाइन लगे और फिर नाइन लगने के बाद फिर स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे इंस्पेक्टर हैं सीआरपीएफ में, इंस्पेक्टर माधव प्रसाद यादव, आपको नाम बता देते हैं। और ये अभी बैंक से आए हुए हैं और आए थोड़ा मिल के जाते हैं, तो इनके लिए ताए दिल से इनका आप जानते होंगे पुलवामा में जहाँ पे मेरे जो वो हादसे हुए थे वहीं पे ड्यूटी करते हैं। और अब देखिए देखिए जैसे कि अभी एक जवान होता है उसको जहाँ कहते हो वहाँ चला जाता है, लेकिन एक अधिकारी जो होता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत रातें नींद नहीं आती वहाँ पर वारण रहता है। तो ये वहाँ पे भी छुट्टी आए हुए हैं, परसों जाएंगे। और हालांकि सीआरपीएफ में 60 साल की नौकरी होती है तो इनसे हम पहले चले आए, क्योंकि मिलिट्री में अब हम मिलिट्री में थे तो मिलिट्री में क्या होता है कि उसमें 52 साल की उम्र में या 30 साल की नौकरी में सेवानिवृत्त होना पड़ता है, बैठ जाइए आप। तो ये आए थे, मैंने कहा बच्चों से मिलते तो पूरा जो है कि दो शब्द आपके लिए बोलेंगे, ठीक है। और जब हम पढ़ते थे तो हम एक दूसरे को देख करके ही एक गाइडलाइन मान लेते थे, हमारे कोई सिखाने का था न गाँव में और न कोई है। लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा स्कूल साइड में कुछ हमारे ऐसे टीचर हैं जो उनके मतलब सही मार्गदर्शन मिला, और इतना तो नहीं है, हमारे कुछ टीचर हैं जो शुक्रा मास्टर साहब थे वो हम बहुत चाहते थे, सब लोग बहुत चाहते थे। तो वो क्या है कहीं ना कहीं खेल में हम उसको मोटिवेट करते थे, आगे लेके जाते कहीं आज उन्हीं का नतीजा है तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक। तो मैं जैसे कहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा ही वो सब मोटिवेट करें, आगे आ जाओ, बहुत अच्छी बात करेंगे आगे। से आप लोगों के लिए जो है डेली 5 मिनट चाहे 24 घंटे में जब भी मौका मिलता था आप लोगों के भविष्य के लिए जरूर चर्चा करता है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि इनके नेतृत्व में हमारे क्षेत्र के हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो ऐसे कर्मठ गुरु के आप लोग शिष्य हो, और मुझे पूरी उम्मीद है आप किसी भी लाइन से यहाँ तैयारी करने के लिए आते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप वर्दी वाली खोज के लिए ही आ रहे हो, जिस भी विषय जिस भी क्षेत्र के लिए आप यहाँ आकर के बैठते हैं तैयारी करते हैं, तो मेरी यही आप लोगों से सलाह है कि आप लोग पूरा दिल के साथ करना। देखो जब दिल के अंदर आप कहीं भी आपकी कचक रहेगी
दिल के अंदर कोई भी चीज़ जब आपको महसूस होगी इसमें मैं कमज़ोर हूँ, जब टेस्ट आएगा ना तो वही आपको मिलेगा। जहाँ आपके दिल में कमजोरी महसूस होगी इसमें मैं कमज़ोर हूँ, जब आप टेस्ट में बैठेंगे वो क्वेश्चन वही आएगा जिसमें आपके दिल के अंदर है कि इसमें मैं कमज़ोर हूँ। इसलिए अपनी कमजोरी को खोजना है और उसका निदान यहाँ करना है। सुनहरे भविष्य के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। घनघोर परिश्रम करोगे आप लोग, दिन रात मेहनत करोगे, अपने से आगे वालों का अनुसरण करोगे और जिस चीज़ में आप कमज़ोर हो उसमें और ज़्यादा मेहनत करना है और दिन रात लगन के साथ। यहाँ बैठ गए तो आपके दिल के अंदर जुनून होना चाहिए। जब आपके दिल के अंदर जुनून होगा किसी चीज़ को पाने के लिए तो उसके लिए आप दिन रात मेहनत करोगे। किसी चीज़ को पाने के लिए जब दिल के अंदर जुनून होगा मुझे ये चीज़ करना ही है तो उसके साथ दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा जब तक कि वो मिल नहीं जाता। जो समय है वो समय इस प्रकार से है कि उसके आगे जो सामने तो बड़े बड़े घुघराले बाल हैं लेकिन पूरा जो हमारे माध्यम जो बूढ़े हो जाते हैं तो पीछे वो पूरा गंजा है उसका सिर। अगर समय को आप सामने से पकड़ लोगे यानी समय के घुघराले बालों को सामने से पकड़ लिए, समय पर आप अपने काम किए, अपनी तैयारी की, अपना जो भी कंपटीशन है उसको किए, जो कमजोरी है उसको दूर किए, तब तो आप सक्सेस हो जाओगे। अगर आप सोच लिए कि अभी नहीं थोड़ी देर के बाद करूँगा, आज नहीं कल करूँगा, फिर वो पीछे गंजा है आपको पकड़ने आने वाला नहीं। क्या है पीछे फिर गंजा है समय, वो आपके पकड़ने आने वाला नहीं है। यही आपका जो समय है यही आपका भविष्य है। जिस उम्र से आप गुजर रहे हो, जिस करियर की दौड़ से आप गुजर रहे हो, जिसके लिए आप यहाँ बैठे हुए हो, ये आपका क्या है पूरा जीवन का सार है। इस जीवन के सार को अगर आप सार्थक करना है तो दिन रात मेहनत करना है, नहीं तो फिर पूरा जीवन परेशान होना है। और ये दो साल का जो आपका समय है इसमें आप पूरा घनघोर मेहनत करके अपने ऐसो आराम, इधर निमंत्रण उधर निमंत्रण, उधर शादी में जाना है उधर रिश्तेदारी में जाना, उसको दिल से बिल्कुल निकाल देना है। आपका सिर्फ उद्देश्य है, आपका एम क्या है, उस एम को पकड़ने में जो जो बाधाएं हैं उसके बीच में जो जो ऑप्टिकल आ रहे हैं उनको आप क्रॉस करना है और उन ऑप्टिकलों को किस प्रकार से क्रॉस करना है वो सर आपको गाइडेंस करते रहते हैं और आप त्रुटियों को दूर करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए यहाँ बैठे हो उसको पूरा करना है और पूरा करने से अपने माँ बाप और अपने क्षेत्र गांव के भविष्य को भी उज्जवल कर आप जाओगे तो हमारा भी नाम होगा। मेरे भाई की एकेडमी का एक लड़का निकला, मैं वहाँ पुलवामा में बैठ करके पक्का शाम को देखता हूँ आप लोगों को और मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं आप लोगों को भगवान से प्रार्थना करता हूँ और शुभकामना देता हूँ, आप सफल होकर के जाओगे। मेहनत करोगे कि नहीं? यस सर। पूरी दृढ़ता के साथ? यस सर। तो पूरी दृढ़ता से मेहनत करना है, लगन से दिन रात मेहनत करना है। मेरी तरफ सभी को जय हिंद। जय माता की। जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।